मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो शेयर कर खुद की तगड़ी बेइज्जती करवा ली है। भारत की पहली सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत के प्रचार में मंत्री द्वारा शेयर किया गया वीडियो यूजर्स के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने मंत्री की होशियारी पकड़ ली और अब तमाम यूजर्स मंत्री जी को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल कल वंदे भारत ट्रेन की एक और इकाई का उद्घाटन मोदी सरकार द्वारा किया गया। जैसा कि बीजेपी के हर नेता को ये जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के विकास कार्यों को विभिन्न सूचना माध्यमों से जनता तक पहुंचाए, इसी कड़ी में रेल मंत्री ने इस नई वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन इस वीडियो में एक विशेष तरह की टेक्निकल होशियारी की गई थी। मंत्री द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में मैनुअली प्लेबैक स्पीड को दुगुना किया गया और लोगों ने मंत्री जी की स्मार्टनेस पकड़ ली, क्योंकि इस ट्रेन से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें ट्रेन की वास्तविक स्पीड और मंत्री जी द्वारा शेयर किए गए वीडियो को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि YouTube पर मौजूद वास्तविक वीडियो में वंदे भारत एक सेमी स्पीड की तरह एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है, लेकिन रेल मंत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वंदे भारत ट्रेन की स्पीड बुलेट ट्रेन के बराबर मालूम पड़ती है। अब इसी मैनुअल रफ्तार ने मंत्री जी की फजीहत के द्वार खोल दिए हैं। लोग मंत्री जी के लिए तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। आर्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने मंत्री पर तंज करते हुए कहा, समझ नहीं आता रेलवे मंत्री किस कारण से वीडियो की स्पीड दुगनी करके शेयर कर रहे हैं। जुबैर के इस सवाल पर एक यूजर ने जवाब देते हुए कहा, देशवासियों को पोपट बनाने के लिए। एक अन्य यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक तो बेचारे को उद्घाटन करने को नहीं मिलता, ऊपर से तुम लोग वीडियो नहीं डालने दोगे, बड़े जालिम है दुनिया वाले। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा, बहुत सरल मामला है, अंधभक्त इसी को बुलेट ट्रेन समझेंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? रेल मंत्री ने किस वजह से वीडियो की स्पीड बढ़ाई होगी? आप हमें अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।